मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षा लेकर फिर उपस्थित हैं। आज हम वर्बल रीजनिंग जिसे हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं, भाषा से जुड़ा हुआ, जैसे बोली चाली, दो तरीके की रीजनिंग होती हैं, भाषिक और आपकी दृश्य वाली, जिसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में जानते हैं हम सभी। यह हमारा 8वां अध्याय है और कक्षा की दृष्टि से अगर देखें तर्क शक्ति रीजनिंग की कक्षा, तो ये हमारी 11वीं कक्षा है। हम अल्फाबेट टेस्ट से स्टार्ट करते हुए हम अपने 8वें चैप्टर ब्लड रिलेशन टेस्ट तक आए हैं। 3-4 इसमें वर्बल रीजनिंग में और 3-4 चैप्टर बाकी रह गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वर्बल रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन टेस्ट, रक्त संबंधी परीक्षण, तो आप जानते हैं कि रक्त संबंधी परीक्षण में दो पक्ष होता है, एक मातृपक्ष एक पितृपक्ष। मातृपक्ष अर्थात हम अपने नानी नाना, मामा मामी, मौसी मौसा। पितृपक्ष अर्थात बाबा हो गए, दादी हो गई, बुआ जी हो गई, फूफा जी हो गए। दो प्रकार के पक्षों को देखेंगे। इसमें 3-4 चीज़ों को हम क्लियरिटी से समझेंगे। अगर ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी प्रश्न आए तो उसमें स्वयं को रख के उस प्रश्न को अगर हम एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, तो हम इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण जिनके बगैर ये प्रश्न हल भी नहीं किए जा सकते हैं, वो टर्मोलॉजी है, उसको हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो रक्त संबंधी प्रश्नों में हम दो हमारे पक्ष होते हैं, एक पिता की ओर का और एक माता की ओर का। अब पिता की ओर के संबंध कौन से होते हैं, जैसे बाबा या दादा, बाबा या दादा, दादी, बुआ, चाचा, चाची, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी। ये पिताजी के पक्ष से लेते हैं। माताजी के पक्ष से हम लेंगे नानी नाना, मामी मामा, मौसा मौसी। इससे ही रिलेटेड आपके 90% प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ सांकेतिक भी प्रश्न होते हैं कि उसको भी हम देखेंगे कि अगर बी माइनस ए का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसमें एक और बात है, एक समान अर्थात एक पीढ़ी को एक सीधी रेखा में। अब एक पीढ़ी से क्या मतलब है, जैसे पिता माता, चाचा चाची, बुआ, एक पीढ़ी के हो गए, भाई बहन, बुआ के संतान, एक लाइन में हो गए, भैया भाभी, ये सब क्या है, एक पीढ़ी में हो गए। तो और उसके बाद जानिए, अगर मेल अर्थात
पुरुष है तो उसके लिए पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, और अगर महिला है तो उसके लिए निगेटिव का प्रयोग करते हैं। बहुत कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको अपने ऊपर प्रश्नों को ले लेना है और अपने रिलेशन से जोड़कर प्रश्न में जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे आप अगर करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। वैसे कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं कि एक पिता का पक्ष होता है, एक माता का पक्ष होता है, तो पिता के पक्ष में जैसे चाचा हो गए, चाची हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, बुआ हो गई, फूफा जी हो गए, आपका भाई हो गया, भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, नाती हो गए, पोते हो गए, ये सब पिताजी के पक्ष से है। माता जी के पक्ष से नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, मामा के लड़के, मौसा के लड़के, मौसी की लड़की, ये सब आते हैं। तीसरी बात इसमें यह ध्यान देना है कि अगर पुरुष रहेगा तो उसके ऊपर आप समझने के लिए प्लस का निशान लगा देंगे, महिला रहेगा तो उसके ऊपर माइनस का निशान लगा देंगे और ये समझेंगे। उसके बाद एक पीढ़ी के एक समान लोग जैसे भैया भाभी हैं, भतीजा भतीजी हैं, तो भैया भाभी एक लाइन में रहेंगे, भतीजा भतीजी उसके नीचे वाली लाइन में रहेगा। अगर लड़के और पिता की बात की गई तो लड़का से ऊपर एक लाइन ऊपर पिताजी रहेंगे, अगर माताजी की बात कर दी उसी बच्चे की तो पिताजी वाली सीधी लाइन में वो रहेंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। अब आइए कुछ प्रश्नों को समझेंगे और इसकी खूबियों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, आपके व्हाइट बोर्ड पे तीन प्रश्न हैं, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यह कक्षा बहुत ही छोटी है लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अपनी समझ को विकसित करते हुए खुद के ऊपर स्वयं को महसूस करके आधार मानकर अगर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। इसके पहले हमने देखा कि क्या क्या इसमें मूलतः बातें हो सकती है और किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। तीन प्रश्न हैं, तीनों ब्लड रिलेशन से ही संबंधित हैं, एक ही टाइप के लगभग हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आनंद ने निरुपमा से कहा। आनंद किससे कह रहे हैं, यहाँ पे आनंद लिख देंगे, निरुपमा से कह रहे हैं। आनंद ने निरुपमा से कहा कि यह पुरुष तुम्हारे चाचा का अकेला भाई है। तो निरुपमा के चाचा, निरुपमा के चाचा मतलब निरुपमा से ऊपर पिताजी की श्रेणी में, यह पुरुष जो है वह तुम्हारे चाचा का इकलौता भाई है, तुम्हारे चाचा का अकेला भाई है। यहाँ पे आ जाइए, चाचा का भाई है, अकेला, अकेला या इकलौता कुछ भी कहेंगे, तुम्हारे चाचा का अकेला भाई है। तो पुरुष का निरुपमा से क्या संबंध है, तो ये जो पुरुष है वो निरुपमा से कैसे संबंधित है। अब समझिए, अगर किसी के पिताजी दो भाई हैं और कोई कहता है कि यह तुम्हारे चाचा का इकलौता भाई है, तो उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का क्या संबंध हुआ, तो निरुपमा के पिताजी हैं ये, कौन लगेंगे, पिता। आया समझ में, कैसे कह रहा है कि निरुपमा से, यह लड़का कह रहा है कि यह जो व्यक्ति हैं, यह जो पुरुष हैं, जो जिनकी बात की जा रही है, जिनके बारे में पूछा जा रहा है, वह तुम्हारे चाचा का इकलौता भाई है। तो चाचा का इकलौता भाई मतलब दो लोग, और हमारे चाचा के भाई मतलब हमारे पिताजी, अगर एक ही भाई हैं तो दो भाई हैं, तो चाचा का इकलौता भाई मतलब चाचा और एक एक और आदमी, तो उस आदमी से हमारा कौन सा संबंध होगा, तो पिता पुत्र का होगा। वैसे ही निरुपमा से आनंद कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति दिख रहा है वह तुम्हारे चाचा का अकेला भाई है, इकलौता भाई है, एक भाई है, तो मतलब कौन होगा, वह निरुपमा के पिता होंगे। तो कौन सा संबंध होगा, जो पुरुष होगा वो क्या होगा, पिता होगा किनका, निरुपमा का। तो ऑप्शन में लगा देंगे पिता। अगला प्रश्न देखिए, राजीव ने श्यामा से कहा, मिटाते हैं इसको फिर करते हैं, कुछ नहीं है, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर इसको देखेंगे। राजीव ने श्यामा से कहा, ये राजीव हैं, श्यामा से कह रहे हैं कि वह टहलता हुआ लड़का, पार्क में ये लोग बैठे हैं, राजीव और श्यामा, एक लड़का टहल रहा है, यह जो लड़का है पहले ये लगाया गया, क्या कर रहा है, टहलता हुआ,
टहलता हुआ लड़का। यह जो टहलता हुआ लड़का है, राजीव ने श्यामा से कहा कि यह जो टहलता हुआ लड़का है, जो लड़का पार्क में टहल रहा है, दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं, एक तीसरा टहल रहा है, यह आदत ही होती है कि जो टहल रहा है अनजान के बारे में बताने की कोशिश करना कि यह कौन है, कौन हो सकता है। तो वैसे ही राजीव और श्यामा बात कर रहे हैं कि यह जो लड़का पार्क में टहल रहा है वह कौन है, तो इसके बारे में बता रहा है कि वह टहलता हुआ लड़का मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब देखिए, दादाजी तो पहले पापा होंगे, उसके ऊपर दादा होंगे, और दादा का इकलौता पुत्र मतलब एक ही भाई, समझिए, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे मतलब दादाजी के एक ही लड़के, तो वो हमारे पिताजी हुए, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब हमारे पापा पिता का पुत्र है। तो ये जो टहल रहा है वो किसका पुत्र है? इनका पुत्र है। तब पूछ रहा है कि इसका इसका क्या संबंध है। अब आसानी से समझ गए होंगे कि अगर मैं बोलूं कि यह जो लड़का टहल रहा है यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब कौन हुआ? हमारा भाई है, मेरे दादाजी उनके पुत्र इकलौते ही हैं, तो चाचा हो नहीं सकते हैं, पिताजी होंगे और उनका पुत्र है, तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो मतलब मेरा भाई है। इसका मतलब क्या हुआ? राजीव का उस टहलते हुए लड़के से क्या संबंध हुआ? भाई का, भाई का। पूछ रहा है कि वह राजीव से वह टहलता हुआ लड़का कैसे संबंध, दोनों भाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। तीसरा प्रश्न देखिए कि एक औरत एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये चित्र है, क्या है? चित्र है। ये कौन है? औरत। क्या करती है? इधर इशारा कर रही है। एक औरत इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह पुरुष, यह चित्र में कौन है? अब ये भी पता चल गया, पुरुष है। कि जो चित्र में जो फोटो लगी है जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की, मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है, मतलब ससुर मतलब उसके पति के पिताजी, उसके पति के पिताजी कौन है? जैसे ये हो गए इन पति, तो पति रहेंगे तो समान श्रेणी में रहेंगे, और इनके पिता, इस औरत के क्या लगे? ससुर। तो मेरे ससुर का इकलौता लड़का है, का एकमात्र पुत्र है, तो यह जो चित्र कौन हो गया? एकमात्र पुत्र है, तो ये कौन है इनके? तो जो चित्र में पुरुष की फोटो है उससे इस औरत का क्या संबंध है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, उनका एक ही लड़का है और उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, तो उनका पति मर गया है तो चित्र में लटकाया गया है, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं अकेले ही हैं, उनकी शादी हो गई और वह व्यक्ति मर जाता है, अर्थात उस औरत का पति मर जाता है, तो फोटो में लटकाया गया रहता है, तो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो औरत है, जो वह चित्र लटका है, उस चित्र से उस औरत का संबंध ज्ञात करना है, लेकिन कुछ क्लू दिया है, क्लू यह दिया गया है कि यह औरत कह रही है कि वो जो चित्र में पुरुष दिखाई दे रहा है वह मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है, तो वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो ससुर मतलब पति के पिता, तो पति के पिता का एक की एकमात्र संतान अर्थात उसका पति ही हुआ, तो यह औरत इस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो यह औरत उसकी क्या है? पत्नी है। बात को ध्यान से समझिएगा, किसी औरत ने किसी चित्र की ओर, जिस चित्र में एक पुरुष है, इशारा करते हुए कहती है कि यह जो पुरुष है वो मेरे ससुर का एकमात्र बेटा है, पुत्र है, है, तो औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो पति पत्नी है, औरत क्या है? पत्नी है,
और पुरुष जो चित्र में है वो क्या है, इसका पति है, ये क्या है, पत्नी है। तो औरत क्या है, तो इसमें रिलेशन में क्या आ जाएगा, पत्नी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, और पहला प्रश्न कह रहा है कि रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश का राजन से क्या संबंध है। चार ऑप्शन दिया है, चाचा, दामाद, ससुर, चचेरा भाई। अगला प्रश्न हमारा है कि क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है, एक्स क्यू की पत्नी है, आर एक्स की बुआ है और एल आर का पुत्र है, एल का पी से क्या संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है कि ए भागा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो संकेत पी माइनस आर भागा क्यू में क्यू कैसे संबंधित होगा। ऑप्शन दिया है बहन, पुत्री, भतीजा, भांजी। हमने जाना है इस प्रश्न में कि जो एक पीढ़ी के लोग होते हैं उनको समान लाइन में लिखा जाता है, ऊपर वाली पीढ़ी रहेगी तो उसको ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, नीचे वाली पीढ़ी रहेगी तो उसको नीचे वाली लाइन में रखेंगे। जैसे मैं हूँ, अपने पिताजी को अपने ऊपर वाली लाइन में रखूँगा, अपने बेटे को अपने नीचे वाली लाइन में रखूँगा। अगर मेल है तो पॉजिटिव का निशान लगा देते हैं इन प्रश्नों के लिए, अगर फीमेल है तो निगेटिव का निशान लगा देते हैं। अब आइए पहला प्रश्न आज का पढ़ते, इस बोर्ड पे जो अंकित है चौथा प्रश्न उसको पढ़ते हैं कि रघु और बाबू जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं तो एक लाइन में रहेंगे, एक ही साथ पैदा हुए हैं तो एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही एज ग्रुप के हैं। बाबू की बहन रीमा है, जो ये बाबू हैं इनकी जो ये बहन है कौन है, रीमा। अब देखिए रघु और बाबू, ये नाम से कह सकते हैं कि ये लोग क्या हैं, भाई भाई हैं, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। अब ये मान लिया जाएगा कि बाबू की बहन रीमा है, तो रीमा कौन है, महिला है। अब आगे रीमा के पति राजन है, अब इनके पति कौन है, राजन, एक ही लाइन में रहेंगे, पति पत्नी। आपको बताया गया कि पति पत्नी, चाचा चाची, बुआ चाचा सब एक ही लाइन में रहते हैं। एक रघु की माँ लक्ष्मी है, अब माँ है तो लक्ष्मी ऊपर वाली लाइन में रहेंगे। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, लक्ष्मी के पति कौन है, राजेश हैं, मतलब ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए। रघु की माँ है लक्ष्मी तो रघु के पिताजी हो गए राजेश। ये दोनों जुड़वा हैं तो इनके भी पिताजी हो गए राजेश, बाबू के भी। और बाबू की बहन कौन है, रीमा है, तो रीमा के भी पिताजी हो गए कौन, राजेश। यहाँ तक बात समझिए, रघु और बाबू कैसे हैं, जुड़वा हैं। बाबू की बहन कौन है, रीमा है। रीमा की शादी किससे हुई है, राजन से, तो रीमा के पति कौन हुए, राजन हुए। रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, अर्थात रघु के माता लक्ष्मी हुई, पिता राजेश हुए। बाबू इनके जुड़वा हैं तो इनके भी पिताजी राजेश हुए। बाबू की बहन रीमा है, अर्थात रघु की भी बहन रीमा हुई, तो रघु के पिताजी का नाम राजेश हैं, तो रीमा के भी पिताजी राजेश ही होंगे। अब आगे पूछता है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, मतलब राजेश कौन लगेंगे राजन के, राजेश कौन लगेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में हम संबंध अगर राजन का बता देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि राजेश का मतलब राजेश कौन लगेंगे राजन के, राजेश कौन हैं, किसके, राजन के। अब समझ ही जाइए, बहन का पति और इसके पत्नी का पिता कौन लगेगा, तो राजेश कौन हुए, राजन के यहाँ से ससुर, यही राजेश कौन है, ससुर हैं। और यही उल्टा पूछ देता कि राजन कौन है राजेश के, तो क्या पूछ बता देते आप लोग, दामाद। ऑप्शन में चूंकि दोनों दिया गया है लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि राजेश राजन के कौन है, राजेश कौन है राजन के लिए, तो बेटी का पति क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा।
मतलब पत्नी का पिता क्या होता है, ससुर होता है, तो यही राजेश क्या होंगे, ससुर होंगे, ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यू पी का बेटा, आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्यू पी का बेटा है, ये क्यू हो गए, ये बेटा है पी के, एक्स जो है वो क्यू की पत्नी है, एक्स क्यू की पत्नी है, एक्स क्यू की पत्नी हो गई, एक्स क्यू की पत्नी है, आर एक्स की बुआ है, आर जो है एक्स की बुआ है, बुआ है, और एल आर का पुत्र है, जो एल है वो आर का पुत्र है, तो एल का पी से क्या संबंध है, एल का पी से क्या संबंध है, भतीजा या भतीजी होगा, ऑप्शन भतीजा भतीजी सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, यदि ए संबंध है बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो संकेत क्या दिया है, पी माइनस आर भागा क्यू में क्या ज्ञात करना है कि पी क्यू से कैसे संबंधित है, पी क्यू से कैसे संबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट इसके लिए पी आर के लिए देखेंगे, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो P माइनस R क्या होगा, P बहन है किसकी, R की, A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, तो P माइनस R का अर्थ क्या होगा कि P बहन है किसकी, R की। आगे उसके बाद कौन सा संकेत हम लोग देखेंगे, भागा वाला, तो A भागे B का अर्थ है A B का भाई है, तो यहाँ पे R भागा Q का अर्थ होगा कि आर क्यू का भाई है, भाई है, तो पीयू पी क्यू से कैसे संबंधित है, पी क्यू से कैसे संबंधित है, तो बहन है, क्या हो गया, बहन, एक ही लाइन में है तो एक ही पीढ़ी के होंगे, यहाँ पे जो बहन होगा वो ऑप्शन में लगा देंगे। यह बहुत ही छोटी सी कक्षा है, इसमें स्वयं को रख के अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर जाएगा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन में सब कुछ दिया रहता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप गलती कहाँ करते हैं, परीक्षा में तनाव एक अलग ही विषय होता है, अगर घर पर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं 100 प्रश्नों को और उसमें 100 में 80 प्रश्न आपके सही होते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में आपके 70 प्लस ही सही होंगे, 8 से 10 प्रश्न कम हो जाते हैं, इसलिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास, उस परीक्षा हाल में जब आप बैठते हैं उस तरीके का माहौल बनाकर जब आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर ही आपकी सफलता की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप प्रयास करते हैं। आपको अगर यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए, आप हमसे सोशल जितने प्लेटफॉर्म हैं उसके तहत @11classes को फॉलो करिए, उससे जुड़िए, आप जुड़ सकते हैं, हम हमारे साथ बने रह सकते हैं। आपको किस प्रकार की कठिनाई आ रही है रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग में, उस कठिनाई को भी बताएं, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको भी, उसकी पिक लेकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7081788388 पर सेंड कर सकते हैं, मन करे अपना नाम लिख देंगे तो, नाम लिख देंगे तो उससे सहूलियत होती है, अगली कक्षा में उसका सलूशन दिया जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपने मित्रों को जोड़ेंगे, हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, और अगर आप नए हमारे पाठक हैं, दर्शक हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे, उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।